नमस्कार दोस्तों, मैं सैफरान नेगी, आपका सभी लोगों का स्वागत है यूके फूड लवर चैनल में और सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हम न्यू रेसिपी के साथ हैं, मखनी ग्रेवी कैसे बनता है और क्या के लिए इसलिए सामग्री चाहिए। मखनी ग्रेवी के लिए हम सबसे पहले लेंगे 10 किलो टमाटो। उसके बाद हम टमाटो इस तरह से काटेंगे 1/4 करके, सभी टमाटो इस तरह से काटेंगे हम। ये देखिए इस तरह से काटेंगे इसको, क्योंकि गन्ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा हमें। इस तरह हम सारे टमाटो काट देंगे, काटेंगे पतले में। इसमें हम लेंगे 4 से 5 लहसुन और उसके बाद लेंगे हम अदरक, तो इसको काट देंगे अदरक को बारीक। और साथ में लेंगे इसमें ऑनियन 1 kg, 10 किलो टमाटो हमारा, तो उसे काट देंगे ऑनियन को भी हम। इसमें हम ये डाल देंगे अब टमाटो के ऊपर ऑनियन, गार्लिक और जिंजर, और साथ में इसमें हम डालेंगे काजू और मगज। हमने लिया यहाँ पे 1/2 किलो काजू और 800 ग्राम लिया हमने मगज, जिसको हम अच्छे से गर्म पानी में धो रखा है। इसको अच्छे से निखार के हम ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे इसको। ये हमने डाल दिया 800 ग्राम मगज, ये हमने गर्म पानी से अच्छे से धो रखा है। और इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम काजू, और साथ में इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च, जो कि देगी मिर्च डाल के बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें हमें ग्रेवी में हमारा। हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच देगी मिर्च, साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा गर्म मसाला, दालचीनी और 2 से 3 तेज पत्ता, और इलायची, ग्रीन इलायची 10 से 12, और साथ में डालेंगे लौंग, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सॉल्ट, एक नेटल डालेंगे इसमें ऑयल, और साथ में इस लेवल में हम डालेंगे पानी। ये हमने डाल दिया इसमें पानी, और इसको हम गैस ऑन करेंगे, कम से कम 1 से 2 घंटा लगेगा इसमें पकने में। ये देखिए, साथ में इसमें हम डालेंगे धनिया के जड़, मोटे मोटे वाले, नीचे वाले ऐसे के, और इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे हम। और इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन, जब तक ये पके नहीं तब तक इसको हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा पटे पे। थोड़ी हिलाते रहना है। इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, ढक्कन लगाने से क्या होगा, बहुत जल्दी पकेगा ये। ये देखिए जो उबाल आ चुका है, इसको इसमें हिलाते रहेंगे जो कि हमारे नीचे ना लगे ग्रेवी। ये देखिए रेस्टोरेंट और होटलों में इसी तरीके से बनाया जाता है ग्रेवी, मखनी ग्रेवी। ग्रेवी हमारी ये पक चुकी है, इसको अब ठंडा होने के लिए हम रखेंगे इसको, कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। ये देखिए अच्छी तरह से हमारे टमाटो गल चुके हैं, हमारी ग्रेवी एकदम पक चुकी है। अब हमारी ग्रेवी हो चुकी है ठंडी, हम इसको पीसेंगे। आप इसको मिक्सर या ग्राइंडर में पीस सकते हो, हम इसमें मिक्सर में पीसेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से मिक्सर में पीसेंगे हम इसको। इस तरह से हम बारीक एकदम पेस्ट बना देंगे। उसके बाद हम इसको छानेंगे बड़ी वाली स्पिनर छन्नी में, इस तरह से इससे भी नेडल से हम इस तरह से इसको करेंगे, जो इसका मोटा मोटा हिस्सा होगा ऊपर से बच जाएगा मोटा, और बारीक को वाला छना होगा छन जाएगा, बारीक छन जाएगा इसमें इस तरह से। इस तरह से पूरी पीस लेंगे अब। ये हमने ग्रेवी पीस ली बारीक एकदम से, और होटल में ऐसे पर्पलाइजर यूज करते हैं, हमने आज मिक्सर में पीसा, जो कि घर में इजी तरीके से मिक्सर उपलब्ध होता है, इसलिए आप
घरों में भी इस रेसिपी से बहुत अच्छा खाना और बहुत टेस्टी खाना बना सकते हो। अब हम ग्रेवी में तड़का मारेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, दो नाटे लेंगे हम ऑयल, हमारा तेल हो चुका है गर्म। अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम डालेंगे ग्रेवी में, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच देगी मिर्च, कोलकाता सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेवी पहले पीसी थी। इस तरह से इसको थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे हल्का सा, क्योंकि बहुत ठीक है ये। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, ये इस तरह से हम इसको 1.5 घंटा समथिंग पकाएंगे। जितना पकेगा उतना अच्छा ये टेस्ट देगा। और समथिंग इसको हम 1.5 घंटा पकाएंगे। ये देखिए उबाल आ चुकी है हमारी ग्रेवी अब। और दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए ज़रूर, और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन पर करना, जिससे जैसे न्यू वीडियो आएगी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगी। हमारे चैनल का नाम है UK फूड लवर्स। थैंक यू।